नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। देश में पहली बार किसानों के खातों में 7,618 करोड़। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रदेश में किसानों के लिए किए गए कार्यों का हिसाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने 22 माह में किसानों के खातों में 1,76,000 करोड़ रुपए डाले हैं और ये चमत्कार किया है। जबकि दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे तब किसानों के खातों में केवल 8 करोड़ रुपए डाले गए थे। पूर्व की सरकार ने किसानों को केवल 6,000 करोड़ माफ करने का दावा किया था, लेकिन इसमें भी बैंकों और सोसाइटी पर जिम्मेदारी डाल दी। मुख्यमंत्री ने बैतूल में राज्य स्तरीय फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित करने के पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 और रवि 2020-21 की 49 लाख दावों में 7,618 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि के रूप में अभी तक देश के किसी भी प्रदेश में इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं दिया, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ घोषणा करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। 12वीं तक के स्कूल कल से पूरी क्षमता से खुलेंगे, मास्क पहनना अनिवार्य। आपको बता दें कोरोना संक्रमण थमने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर कहा है कि 14 फरवरी से स्कूल, छात्रावास, आवासीय विद्यालय पूरी क्षमता से खुल सकेंगे। इसमें कहा गया है कि कक्षा पहली से हाई सेकेंडरी तक की कक्षा पूरी क्षमता के साथ लगाई जा सकेगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। शिक्षक, स्कूल स्टाफ सहित विद्यार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वही विद्यार्थियों से कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। नियमों का पालन कड़ाई से कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की रहेगी। ज्ञात होगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने दिसंबर 2020 से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए थे। जनवरी में संक्रमण दर ज्यादा रही, इसलिए 15 से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखे गए थे। 1 फरवरी से फिर 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे थे। अब संक्रमण नियंत्रण में है, इसलिए पूरी क्षमता से स्कूल खोले गए हैं। मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों से सौजन्य फिर कर सकेंगे मुलाकात, पाबंदी हटी। आपको बता दें मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों से सौजन्य फिर से मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी। शनिवार को जेल विभाग ने आदेश जारी कर पाबंदी हटा दी है। शुक्रवार को गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्र ने इसके संकेत दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के चलते सरकार ने 13 जनवरी 2022 को निर्देश जारी कर बंदियों से सौजन्य की मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी। सरकार का मानना था कि मुलाकात जारी रखने से जेलों में बंद बंदियों पर संक्रमण पहुंच सकता है। तब से प्रदेश के जेलों में बंदियों से मुलाकात बंद थी। किसानों को भू अर्जन में बाजार मूल्य से दोगुनी दी जाएगी राशि। आपको बता दें अटल प्रगति पथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। इसके लिए सरकार की 1460 हेक्टेयर निजी भूमि किसानों से अधिग्रहित करनी है, लेकिन किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बीसी के जरिए योजना की समीक्षा करते हुए किसानों से कहा कि उन्हें बाजार मूल्य से दोगुनी राशि दी जाएगी। साथ ही कलेक्टरों से कहा कि वे समय सीमा में परियोजना कार्य पूरा करें। इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री निवास से बीसी के जरिए कहा कि अटल प्रगति पद चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा और नए उद्योग पनपेंगे। औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने से भूमि के मूल्यों में वृद्धि होगी। अटल प्रोग्रेस वे के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि किसान भू अर्जन कार्यों में आवश्यक सहयोग करें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र से अटल प्रगति पद की मंजूरी मिल जाने से चंबल क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आएगा, प्रदेश के बड़े क्षेत्र को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा भी समय समय पर परियोजना के कार्यों का फॉलोअप किया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।